अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी दोस्तों, आज अभी सुबह सुबह सोकर उठाऊं तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज हमने अपने बेडरूम में एक एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम बनाया हुआ था काफ़ी देर से, जिसको हम भूले हुए थे। आज मम्मा ने बहुत सख्ती से कहा उसको वॉश करो, उसको साफ करो, उसकी जो पुरानी वाली बजरी है वो रिमूव करो, न्यू बजरी ऐड करो बीच में। तो मम्मा का आज ये काम जो है वो पूरा करना है, नहीं तो मम्मा आज बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी, लड़ेंगी हमारे साथ। दोस्तों आज बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉग में, क्योंकि आज हमने मार्केट भी जाना है, वहाँ से फिल्टर्स परचेज करने हैं और फिशेज जो है न्यू लेकर आनी है, जो हमारे कमरे में ऐड होंगी एक्वेरियम के अंदर। ठीक है, उससे पहले हम ऊपर जाएंगे, शावर लेंगे, नाश्ता करेंगे, बहुत ज़्यादा काम है, आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे एक नमूना हमारे साथ भी है, मोमिन। मोमिन तुम भी जाओगे? क्यों, तुम क्यों जाओगे? क्यों, वजह है? तो चलें दोस्तों, अब हम ऊपर चलते हैं। तो जी दोस्तों, अब हमने शावर ले लिया है, शावर लेके फ्रेश हो चुके हैं, नाश्ता कर लिया है, अब बाकी के मामला देखते हैं क्या करना है। बेटा अब उठ गए हो ना, तो अब ना ऐसा करो कि भाई अब सारा ये एक्वेरियम साफ करवाओ, इतने पैसे लगा के उधर फेंक दिए हुए हैं तूने। अच्छा, तो उसको साफ सुथरा करवाओ, अब फिर चले उधर चलते हैं समनाबाद, फिश लेके देती हूँ आपको, उसमें फिर छोड़ो लागे। अच्छा ठीक है, आप होकर आए जहाँ पे जा रही हैं आप? मैं अब खाला की तरफ जा रही हूँ तेरी। ठीक है, मिलाद है, मैं होके बस थोड़ी देर तक। ठीक है, आप जाए खैर से, आप खैर से जाए, तो मैं इंशाल्लाह साफ करना है सारा। ठीक है, हमने तो जी गाइस, ये हमारा एक्वेरियम है जिसको हमने साफ करना है आज, तो अब इसकी सफाई का काम जो है हम शुरू कर देने हैं। उसके बाद हमने जाना है मार्केट, फ्रिज इसको यहाँ पे रख दो नीचे, बहुत गंदा हुआ भाई। जी गाइस, अब एक्वेरियम की जो सफाई है वो शुरू कर दी है हमने। तो ये देखें, फ्रीज जो है वो इसकी जो बजरी है सारी पुरानी वाली वो रिमूव कर रहा है। फ्रीज देखना कोई चीज़ ना काट जाए तुम्हें। नहीं है, नहीं अंदर कुछ। तो इसमें हम डाल रहे हैं टप में, उसके बाद हम इसको जो है फेंक देंगे, इसके अंदर से जो ये है ना पत्थर हैं जो ये निकाल लेंगे हम, वाइट कलर के हैं जो, इसके बाद इसके अंदर ये डायमंड्स हैं वो निकाल लेंगे, उसके बाद फ्री ये पौधे ना फेंकना, ये सही है। बस ये हमने इसकी जो है ना ये बजरी ये रिमूव करके वाइट कलर की इसमें बजरी डालनी है। मम्मा कह गई हैं कि वाइट कलर की इसमें बजरी डालनी है। तो अब हम काम हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप हमारे साथ रहिएगा, आपको इंशाल्लाह ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। आज हमने अभी मार्केट भी जाना है, उसके अंदर उसके बाद हमने वहाँ से फिशेज लेकर आनी है, फिर इसके अंदर सारा सेट करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा सारे ब्लॉग में। अब हमने क्या कहते हैं एक्वेरियम में से सारी बजरी जो है वो रिमूव कर दी है, वाइट बजरी लेकर आएंगे बाज़ार से, वो लाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर हम इसके अंदर जो है ना पानी से इसको फिल कर देंगे, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। ठीक है, चलो। तो जी गाइस, अब हम जा रहे हैं ये पुरानी वाली बजरी जो है वो फेंकने जा रहे हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं इसके अंदर नई जो बजरी लेकर आनी है बाज़ार से वो लेकर आएंगे, वो ऐड करेंगे। तो जी दोस्तों, अब हम जो है न्यू बजरी लेने जा रहे हैं, घर के पास ही थी शॉप, मैंने आपके पापा को कॉल की थी, तो मुझे ना वो बजरी चाहिए ज़ीरो की, वो आपके पास वाइट कलर में पड़ी है? प्लीज़ आप वो दिखाएँ ज़रा, सिर्फ वाइट में ही आती है, वाइट है तो दिखाएँ ज़रा। यार इससे थोड़ी सी बड़ी चाहिए, ये वाली भी हमारे पास अवेलेबल है। आपके पास यही अवेलेबल है? हाँ दिखाइएगा। कुछ नहीं, अब वॉशिंग का जो मामला था वो शुरू हो चुका है। चलो फरीद आओ, अब ये जो है ना बजरी न्यू जो हम लेकर आए हैं इसको अब हमने वॉश करना है। ठीक है, वो पुरानी वाली जो बजरी थी वो उसमें बैग्स में डाल कर रखती है, वो हम फेंक के आएंगे बाहर। पहले ऐसा करते हैं कि इसको वॉश कर लेते हैं, अब ये बैग खोलो और इसके अंदर ऐड, इसके अंदर डालो, और उसके बाद ना इसके अंदर ऐड करना है नमक,
जी आराम से आराम से आराम से, क्योंकि वो फिशेज जो होती हैं ना वो सर्वाइव नहीं करती अगर उनके अंदर कोई केमिकल जैसे सोप वगैरह ये शैम्पू वगैरह और ये सर्फ वगैरह से ये बजरी को वॉश किया जाए या उसके बाद उसके अंदर एक्वेरियम के अंदर ऐसी कोई केमिकल वाली चीज़ यूज़ की जाए ना तो मछलियाँ जो होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती, वो जल्दी मर जाती हैं। इसीलिए इनको कोई भी नमक ले लें आप उससे वॉश करना चाहिए। इधर हमने लिया लाहौरी नमक, वो अच्छा रहेगा। तो जी अब इसका वॉशिंग का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका है। ये बजरी जो होती है ना वो फैक्ट्रीज में से आती है तो ये बहुत गंदी होती है, इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उससे जो है ना मछलियाँ सर्वाइव नहीं करती अगर इससे इसको वॉश ना करें। इसके ऊपर ये देखें कैसा पानी आ रहा है इसका वाइट, जब इसका पानी क्लीन हो जाएगा तब हम इसको जो है ना उसके अंदर ऐड करेंगे एक्वेरियम के अंदर। ठीक है गाइस, अब हमारा बजरी वाला काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम अंदर एक्वेरियम की तरफ आ चुके हैं। एक्वेरियम अब हसन आ चुका था, हसन साफ़ कर रहा है। फरीद कह रहा था कि मेरे कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाएंगे। फरीद ने कपड़े बहुत अच्छे पहने आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है फरीद। हसन आ चुका था, हसन ने कहा मैं अंदर जाके सफाई करता हूँ, तो अब हसन सफाई कर रहा है। ये आज की मेरी पूरी टीम है जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं आज। मोमिन ने तो बहुत ही काम किया है, फरीद ने भी। हसन अब सफाई कर रहा है, अभी भी आया हसन, अब वो सफाई कर रहा है। देखते हैं सफाई के बाद फिर हम बजरी ऐड करेंगे बीच में एक्वेरियम के। सारे जो है नीचे फ्लोर पे ना बजरी सारी हमने जो है ना वो डाल देंगे, फिर उसके बाद पानी ऐड कर देंगे, फिर हम मार्केट जाएंगे। और अहमद सुबह का वेला, इसने कोई काम नहीं किया। गाइस अब हमारा एक्वेरियम साफ़ हो चुका है, अब बारी आ गई है बजरी न्यू ऐड करने की। अब हम न्यू बजरी जो है ऐड करने लगे हैं एक्वेरियम में। ये वाइट वाली डाली जाओ हसन, डाली जाओ। अब ये सारी न्यू बजरी ऐड होगी इसमें, फिर हम इसके अंदर पानी भरेंगे एक्वेरियम में। पानी भर के फिर हम मार्केट चले जाएंगे फिशेज खरीदने। तो जी अब जो बारी है पानी भरने की बारी है। अब टैंक में पानी भर रहा है एक्वेरियम में, ये देखें फरीद पानी भरने की बारी आ गई, आखिरी मरहला चल रहा है। तो जी दोस्तों अब हम जाने लगे हैं, गाड़ी निकाल रहा है भाई, तो अब हम जाएंगे फिश मार्केट जा रहे हैं, तो वहां पे जाके आपसे मिलते हैं। हाँ जी मम्मा जी, चलो बेटा चलें। हाँ जी चलें 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 फिर। हमारे साथ मोमिन है, मम्मा है, जाबिन है, भाई हैं मेरे बड़े, और यहाँ पे अहमद है, और यहाँ पे फरीद है। तो जी गाइस हम फिश मार्केट में आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे। गाइस हमें ये वाली फिश पसंद आई है, ठीक है भाई ने इसका 6500 फाइनल बताया रेट, तो भाई सेव करते हैं रेट, अगर बन गया तो फिर इंशाल्लाह ये वाला हमें पेयर जो है पसंद है ये वाला परचेज करेंगे। तो बाकी भी काफ़ी लेनी है, बाकी अभी फिलहाल मम्मा को ये वाला पेयर पसंद आया, ये वाला देखते हैं फिर जो जो लेंगे तो ये बताई जाए मैम आपको। देखते हैं भाई के पास उसमें से लेंगे हम पेयर में से लेंगे कुछ पेयर इंशाल्लाह। तो बाकी आपको मजीद बता देंगे, एक हमने जो है वो परचेज कर लिया जी। अब इसमें से बताएं आप कौन कौन सा पेयर, ये देखिए ये वाला और ये ऊपर वाला, ये ब्लैक वाइट जो है एक ये पेयर।
करवा लेते हैं और बाकी देख लेते हैं। ऑरेंज में दो बड़े वाले थे जी। दोस्तों हमने एक्वेरियम के लिए एक फिल्टर लिया है, ठीक है, कार्बन वाला फिल्टर, और उसके बाद हीटर लिया हमने, जिससे ये होगा कि जो फिश का जो डेथ हो जाती है ना उनकी वो बहुत कम होगी, उससे ये होगा कि फिश जो है ना अच्छा सर्वाइव कर पाएगी। उसके बाद हमने इसकी जो है ये फीड ली है, बहुत अच्छी फीड है इसकी, ठीक है, इससे फास्ट ग्रोथ करती है, ऑस्ट्रेलियन फीड है, फास्ट ग्रोथ करती है, और आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है फास्ट ग्रोथ, ठीक है, जो है ये फीड बहुत अच्छी है। उसके बाद हमने मेडिसिन ली है, ये टैंक में डालने से जो है फिश एक्टिव रहती है, ठीक है, फिश को अगर कोई भी बीमारी आ रही हो फिश के ऊपर तो बीमार नहीं होती, ठीक है रहती है। उसके बाद ना एक बीमारी है फिश की, उसकी ना स्किन के ऊपर ना स्पॉट्स डल जाते हैं वाइट वाइट स्पॉट्स डल जाते हैं, उसकी वजह से ये मेडिसिन है। अगर ऐसा लगे कि स्पॉट्स डले हैं तो आप ये मेडिसिन डालें तो इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा समनाबाद में भाई की शॉप है, बहुत ही अच्छा इनके पास वैरायटी में माल होता है माशाल्लाह, ठीक है, काफ़ी बड़ी होलसेल शॉप है। तो किसी भी दोस्त को किसी भी भाई को फिश के मुतल्लिक कुछ भी चाहिए हो तो ये आप रिकमेंड करेंगे, ज़रूर देंगे, और ये भाई से बाकी आप डिटेल ले लें। जी सर आप बताएं इनको, अगर कोई भी इनको जितनी भी फिश की क्वालिटी चाहिए, मिकदार चाहिए, आपके पास सारी अवेलेबल होती है और सारी एसेसरी वगैरह टोटली मिल जाएगी, मेडिसिन हमारा होलसेल कम सारा कुछ मिल जाएगा। ये राना उस्मान साहब, इनका मैं नंबर भी ब्लॉग में मेंशन कर दूंगा, और उसके बाद ये काफ़ी इनकी बड़ी, ये देखें ना काफ़ी बड़ा लैंड है इनका, काफ़ी बड़ी दुकान है हमारी समनाबाद में। ये होलसेल शॉप है हॉबीलैंड के नाम से, हम यहाँ पे नाले के ऊपर एलोएस नाले, तो इंशाल्लाह आप आएँ विजिट करें हमारे पास, काफ़ी अच्छे हैं इंशाल्लाह, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ भी करेंगे कोई भी आपको चीज़ चाहिए हो, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी दोस्तों हम घर वापस आ चुके हैं, हमने एक्वेरियम में फ़िल्टर लगा दिया और इसके बाद हीटर लगा दिया, आधे घंटे बाद अपनी फिशेज़ जो हैं हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये पड़ी हुई हैं फिशेज़, ये हम अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उस दुकानदार ने कहा था कि आधे घंटे के लिए फ़िल्टर और हीटर जो है ना आपने लगा के छोड़ देना, उसके बाद आपने फिशेस ऐड करनी है। अभी मम्मा अब इसको अनबॉक्सिंग करें। हाँ बेटा, अब हम ये दूसरा पेयर जो है अनबॉक्स कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये अपनी वाइट डायमंड कोई फिश और सिल्वर डायमंड कोई फिश बड़ी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अली बेटा देखो कितना प्यारा लग रहा है। अम्मा कैसी लगनी है? बहुत प्यारी लग रही है। ये माशाल्लाह। जी दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की फिशेज और आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की फिशेज और आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इसको जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ, और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे ये होगा कि आप मेरा कोई भी व्लॉग मिस नहीं करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।